Hello everyone, hope you all are absolutely fine over there. Welcome to Indian Mama Baby in Saudi Arabia. Today we are going to prepare tasty crispy masala fish fry. Iske liye maine liya hai 250 grams rahu fish, jise maine achhi tarike se dhokar saaf kar liya hai. Aur maine isme dala hai 1/4 teaspoon namak. और इसको मैंने अच्छी से मिलाकर रख दिया है. अब मैंने एक पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसे मैंने अच्छी तरीके से गर्म किया था. जब तक कि इसमें से थोड़ा सा धुआं ना निकलना स्टार्ट हो जाए तब तक मैंने इसे गर्म किया है और फिर मैंने एक एक करके सारे फिशेस को इसमें डाल दिया है. अब हमें इसे फ्राई करना है. मैंने इसे मीडियम फ्लेम में 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया था. तो अब देखिए ये एक साइड से पक चुके हैं क्योंकि इसका कलर जो है नीचे से थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो एक साइड से पक चुका है. तेल को हमने अच्छे से गरम करने के बाद ही सारे फिशेस को एक एक करके तवे पर डाला था, इसीलिए वो एक भी बिल्कुल भी तवे से चिपके हुए नहीं है और ईजिली हम देखिए इसे पलटा सकते हैं. देखिए मैं कितने इजीली सारे ही फिशेस को जो है दूसरे साइड कर रही हूँ. ये बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं, मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है. तो इसीलिए जो है हमें तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना चाहिए और फिश के पकने तक का इंतज़ार करना चाहिए. तो देखिए अब हमारा फिश जो है दोनों ही साइड से अच्छी तरीके से पक चुका है. इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है दोनों ही तरफ. इसे हमें थोड़ा सा क्रिस्पी फ्राई करना है. तो ये अब पक चुका है. मैं इसे एक प्लेट में निकाल दूंगी अब और इसी जो बचे हुए तेल रहेगा उस पर मैं इसका तड़का प्रिपेयर करूंगी मसाले वाला. सारे फिशेस को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है. तड़का लगाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने सेम तेल यूज़ किया है जो फ़िश फ्राई करने के बाद बच गया था तेल, क्योंकि हमने फ़िश फ्राई के लिए थोड़ा ज़्यादा तेल यूज़ किया था तो उसी तेल को मैंने तड़का लगाने में यूज़ किया है. अब मैंने उसमें डाला है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट. इसे थोड़ी देर पकाने के बाद बिल्कुल ही लो फ्लेम पर हमें पकाना है. अब मैंने इसमें डाला है फ़िश का मसाला जो कि है धनिया, ज़ीरा और मेथी का पाउडर. इसे कैसे बनाना है आप मेरे फ़िश करी में वीडियो में देख सकते हैं. तो मैंने 2 टीस्पून डाला है, आप चाहे तो 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं अगर आपको कम मसाला खाना है तो. फिर मैंने डाला इसमें 1.5 टीस्पून मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर. ये डालकर मैंने इसे थोड़ा सा मिक्स दे दिया है. फिफ्टीन टू थर्टी सेकेंड्स हमें इन मसालों को पकाना है. अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है. तो नमक आप स्वादानुसार डाल लिए. मैंने ऑलरेडी फ़िश में नमक की कोटिंग लगाई हुई थी इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही यूज़ किया. तो अब मैंने सारे फिशेस को जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था उन सभी को मैंने इस मसाले वाले तड़के में डाल दिया है और अच्छी तरीके से दोनों साइड इसकी इसे कोट कर लिया है. तो हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है ताकि हर फिश में जो है मसाला अच्छी तरीके से लग जाए, इसी से जो है इसका टेस्ट आएगा. मैंने एक आधे नींबू का रस एक कटोरी में निकाल कर रख दिया है. अब इस नींबू के रस को मैं डाल दूंगी फिशेस के ऊपर और इसे अच्छी तरीके से मिला लूंगी. तो नींबू डालने से इसका टेस्ट इतना बढ़ जाएगा कि ये बहुत ही टेस्टी बन जाएगा. थोड़ा सा खट्टा खट्टा चटपटा सा टेस्ट आएगा. नींबू का रस डालने के बाद मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था और मैंने सारे फिशेस को एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है. तो इसे हम ढककर एक 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो नींबू है और जो सारे मसाले हैं फ़िश में अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाए. और जब हम इसे टेस्ट करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आएगा.
तो हमारा मसाला क्रंची टेस्टी फ़िश फ्राई रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी है, प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब।